Hello friends, myself Asit Kumar Patnaik. My channel name is Asit Sarikumania. Today I will discuss how to prepare quiz question paper in Google form by using Android phone. So please, uh, my friends, watch my video till the end. Definitely, you can get all the informations about the question paper, how to prepare question paper in Google form by using Android phone. I do not want to waste more time. Now I am going to prepare the Question paper in uh, Google form by using Android phone. So, my friends, uh, first you go to the Google Chrome. Uh, then in uh, tab you search Google Forms. Clear? Then you see Google Forms free online uh, service for. So click on it. Here you see personal some. पेजेस ऑलरेडी ओपनड यू सी फर्स्ट वन पर्सनल गो टू गूगल फॉर्म्स, क्लिक ऑन इट ये ओपन हो रहा है तो ये जो ऑनटाइटल फॉर्म है उसके ऊपर क्लिक करना है उसको क्लिक करके इसको ये जो क्रॉस साइन है मोबाइल का उसके ऊपर उसको करके रिमूव कर देना है और वहां पर एक टाइटल दे देना है जस्ट यू डिटेक्ट द क्वेश्चन पेपर क्योंकि बहुत क्वेश्चन पेपर आप प्रिपेयर करोगे वो सब गूगल ड्राइव में पड़ा रहेगा तो ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है कैसे आप करोगे तो ये टाइटल आपको देना है इसलिए मैं यहां पर दे दिया कुछ क्विज क्वेश्चन क्विज क्वेश्चन फॉर स्टैंडर्ड ट्वेल्व फॉर स्टैंडर्ड ट्वेल्व इट इज द जस्ट इट मीन इजीली वी कैन रिमेंबर In Google Drive, so many questions are there. Easily, we can detect this question paper. Then, uh, the untitled form, actually, it is the heading of the question paper, you see. Here, it is coming. Suppose, in heading, um, just you write down the institution name. Suppose, I write down the, it is uh, Jawahar Navadaya. विद्यालय क्लियर भोवानी पटना ठीक है ये दे दिया और इसमें आपको फिर नीचे में दे देना है कि क्विज क्वेश्चन, ओके, फॉर स्टैंडर्ड ट्वेल्व मैक्सिमम मार्क ट्वेंटी टाइमिंग इट इज वन आवर आपको ये दे देना है ये हेडिंग ऑफ द क्वेश्चन पर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन uh, पे क्लिक करके जस्ट यू राइड ऑन ईच क्वेश्चन इज कंपलसरी वन इज कंपलसरी वन जो आप अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस जस्ट यू राइट डाउन इन डिस्क्रिप्शन ओके ये अभी हम दे दिया क्वेश्चन पेपर को कैसे डिटेक्ट करेंगे जस्ट यू सी क्वेश्चन एंड रेस्पॉन्सेस के ऊपर सो मेनी क्वेश्चन एक्चुअली लाइंग इन गूगल ड्राइव सो इजिली यू कैन डिटेक्ट दिस क्वेश्चन पेपर देन it is the heading of the question paper then description also uh, you can write down according to your uh, convenience according to your suitability clear obiham setting kochalenge you see the three icons are there you see uh, three icons one dotted one and one arrow mark and one three uh, dot lines so here you see first icon i want to click this icon i want to click here uh, i pins uh, one uh, theme you give suppose choose image सपोज आई क्लिक ऑन इट ओके सो themes upload फोटोज ओके सपोज फ्रॉम थीम्स सपोज आपका इंस्टीट्यूशन की आपका ऑर्गेनाइजेशन का फोटो आप रखा है आपका गैलरी में तो आप फोटोज में क्लिक कर सकते हो ठीक है जैसे कोई ये अपलोड में ब्राउज करके आप ला सकते हो ड्रैग करके ला सकते हो और ये थीम जो है इस थीम से भी कोई पिक्चर आप ले सकते हो सपोज मैं थीम से लेता हूं। मैं थीम से थीम से से लेता अभी वो आ जाएगा, इसको मैं अप्लाई कर दिया। ये पिक्चर ऊपर में आ गया मगर यहां पर जो आपका इंस्टीट्यूशन है ऑलरेडी आप फोटो ले चुके हो और वो गैलरी में पढ़ा है ऑलरेडी यू द फोटोग्राफ ऑफ योर इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस फोटो इज लाइंग इन योर गैलरी देन एगेन जस्ट आई वॉन्ट टू टेल डू यू क्लिक ऑन इट सपोज इसको मैं डिलीट कर दिया इसका कलर uh, में सपोज ग्रीन को चेंज कर दिया और चूज की इमेज के ऊपर क्लिक किया जहाँ पर फोटो है आप देख लो जैसे फोटो लेना है हिल स्टेशन बाद फूड एंड डाइनिंग पार्टी जस्ट किड्स वेडिंग वार्क एंड स्कूल के ऊपर मैं क्लिक करके ले रहा हूँ सपोज ये पिक्चर में ले लिया चलो इसको ले लिया ठीक है इंसर्ट कर देता हूँ ओके okay, यहां पर एक कलर में चूज कर लिया ग्रीन कलर और उसको अप्लाई कर दिया अभी देखो वो आ गया क्लियर और फिर ये जो सेटिंग है इसको सेंड जो आर ओ मार्क है वो सेंड का सेटिंग है मैं बाद में बताऊंगा ये जो थ्री डॉटेड मार्क है उसके ऊपर क्लिक करना है और अब सेटिंग के ऊपर हम जाएंगे ये सेटिंग, सेटिंग के ऊपर जाएंगे सेटिंग में क्या है ये सेटिंग में एक्चुअली थ्री आइटम्स है जनरल है प्रेजेंटेशन क्वीजैसे मैं जनरल के ऊपर आपको थोड़ा बोल देता हूँ इन केस ऑफ जनरल सपोज कॉलेक्ट ई मेल एड्रेस इफ यू थिंक दैट सपोज द कैंडिडेट्स एंड पार्टिसिपेंट्स एंड रिस्पोंडेंट्स मस्ट राइट डाउन द आयर मेल एड्रेस देन क्लिक ऑन इट सो इनिशियल ऑफ द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट वन द ईच एंड एवरी कैंडिडेट और पार्टिसिपेंट और रिस्पोंडेंट दे मस्ट मेंशन दे ईमेल एड्रेस ईमेल एड्रेस इज कंपलसरी वन इफ यू क्लिक ऑन इट

Uh, it means uh, they would have uh, answered the question for more than once. so um, uh, it is not convenient one. for this reason, limit to one response is very important one. next one, edit after submit. Uh, suppose uh, um, it means already the candidates, they uh, answered the question and submit it. after submit also, they can uh, edit the answer. but uh, you do not click it because uh, after submit, actually it is the duty of the examiner. ओके टू चेक द कॉपी एंड आई गिव द स्कोर सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड सो ऑल्सो द इट मीनस आफ्टर सबमिट द कैंडिडेट्स एंड पार्टिसिपेंट्स दे कैन सी समर रिचार्ड्स एंड टेक्सट रिस्पॉन्स इफ यू थिंक दैट आई दे विल सी आफ्टर सबमिट समर रिचार्ट एंड टेक्सट रेस्पॉन्ज देन क्लिक ऑन इट अदरवाइज नॉट क्लियर यहाँ पर मैं क्लिक नहीं किया और नेक्स्ट uh, में अभी हम क्वीजेस के ऊपर आएंगे क्विजेज़ के ऊपर आएंगे क्योंकि हम क्विज क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं सो so, ये मेक दिस क्विज इसके ऊपर क्लिक करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम आंसर फीड कर पाएंगे आफ्टर प्रिपेयरिंग ईच क्वेश्चन ऑल्सो वी कैन फीड द आंसर एंड ऑल्सो वी कैन गिव द पॉइंट वैल्यू पॉइंट वैल्यू मीन्स इट मीन्स ईच क्वेश्चन कैरी हाउ मच मार्क ऑल्सो वी कैन गिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन ओके देन क्लिक ऑन इट हमको आंसर फीड करना है और हमको पॉइंट वैल्यू देना है नेक्स्ट वन ये आ गया इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन हम हम ऑलरेडी आंसर फीड कर चुके हैं पॉइंट वैल्यू दे चुके हैं उसके बाद जब कैंडिडेट्स उनका आंसर करके वो सबमिट कर देंगे उनको पता चल जाएगा कि उनको कितना स्कोर मिला तो इसलिए इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन द कैंडिडेट्स दे मस्ट नो इट मीन्स हाउ मच स्कोर एक्चुअली दे विल गेट ओके सो इजीली दे नो अबाउट द स्कोर देन ऑल्सो रेस्पॉन्डेंट्स कैन सी मिस्ड क्वेश्चन हाउ मनी क्वेश्चन दे मिस हाउ मनी क्वेश्चन एक्चुअली दे करेक्ट इट हाउ मच पॉइंट वैल्यूज दे गॉट सो एवरीथिंग दे नो आफ्टर सम्मिशन इमीडिएटली दे नो अबाउट दे आर स्कोर एंड ऑल्सो हाउ मनी करेक्ट क्वेश्चन हाउ मनी इट मींस क्वेश्चन एक्चुअली दे करेक्टली आंसर एंड हाउ मनी क्वेश्चन दे मिस एवरीथिंग दे नो क्लियर ऑलरेडी मैंने सेटिंग कर दिया उसको सेव करना जरूरी है ये सेव ऑप्शन है इसमें सेव कर दिया ठीक है अभी देखो ई मेल एड्रेस आ गया कंपल्सरी हो गया ई मेल एड्रेस आप ई मेल एड्रेस को चेंज करना चाहते हो चेंज सेटिंग में कर दिया और ये जो टिक मार्क है उसको मैं रिमूव कर दूंगा तो अभी ई मेल एड्रेस नहीं आएगा मगर मुझे ई मेल एड्रेस चाहिए मैं क्लिक कर दिया और लिमिट टू वन रेस्पॉन्स है उसको और एक बार मैं सेव कर देता हूं ओके okay, सेव करना जरूरी है अभी मैं क्वेश्चन एक्चुअली प्रिपेयर करूंगा ये ऑन टाइटल क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करूंगा ये जो क्रॉस साइन है ओके okay, मोबाइल में इसको करके फास्ट क्वेश्चन जस्ट एक मल्टीपल क्वेश्चन में दे देता हूं कि वेन नेशनल इनकम वेन नेशनल इनकम इज ग्रेटर दैन डोमेस्टिक इनकम ओके okay, यहाँ पर सब बहुत सो मैनी ऑप्शन सर दे यार शॉर्ट आंसर पैराग्राफ मल्टीपल चॉइस मैं सबको बताऊंगा अभी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और देखना है और अभी ये जो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन के ऊपर क्लिक देखिए ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है ठीक है ये आ जाएगा उसको फिर क्रॉस मार्क करके उसको रिमूव कर देना है और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दे दिया एन एफ आई ए एन एफ आई ए इज पॉजिटिव वन ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया देन सेकेंड ऑप्शन आठ ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और वैसे ही ये क्रॉस करके उसको रिमूव कर दूंगा और यहां पर दे दिया दियाटिव वन इज नेगेटिव वन दो ऑप्शन दे दिया अभी क्या करेंगे आंसर कैसे फीड करेंगे और पॉइंट वैल्यू कैसे देंगे मैं बता रहा हूं ये जो तो टिक मार्क है ये टिक मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे ओके ये आ आ गया आर्ड आंसर फीडबैक और ये यहां पर आ गया पॉइंट्स, तो आर्ड आंसर फीडबैक सपोज मेरा फास्ट आंसर करेक्ट है जो सर्कल है उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा ये आंसर हो गया ओके यहां पर पॉइंट वैल्यू दे दूंगा उसके ऊपर क्लिक करना है और ये पॉइंट वैल्यू देना है ओके सपोज ये वन मार्क है मैं दे दिया ठीक है अभी मैं उसको डन ये अभी क्वेश्चन नंबर वन हो गया और उसको मैं आंसर भी फीड कर दिया और ये कंपल्सरी होगा ये कंपल्सरी होने से यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है जरूरी है क्योंकि ये करने से एक स्टार मार्क आ जाएगा कम्पल्सरी हो जाएगा ठीक है और ये जो ये डिलीट है इसको कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा ठीक है अभी हम क्वेश्चन नंबर टू को जाएंगे जैसे जो प्लस साइन है नीचे में सम आइकॉन्स दिखाई दे रहा है ये प्लस के ऊपर हम क्लिक करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू सपोज एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में दे रहा हूं सपोज मैं दे दिया यहां पर हुए टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हुएन टिस्को एक मिनट ओके okay? डेवलप्ड okay, यहां पर क्वेश्चन मार्क दे सकता हूं ये हो गया एक शॉर्ट आंसर हम दे देंगे ये ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप शॉर्ट आंसर के ऊपर क्लिक कर दो और ये अभी आंसर फीड करेंगे ये जो टिक मार्क है उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये जो आड़ एक करेक्ट आंसर यहां पर करेक्ट आंसर जो है उसको लिख देंगे करेक्ट आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है 1907 हंड्रेड सेवन ये करेक्ट आंसर कर दिया और पॉइंट हेलो सपोज वन मार्क दे दिया और नीचे में एंड मार्क ऑल अदर आंसर्स इन करेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे अदर आंसर्स इसके अलावा अदर आंसर्स इनकरेक्ट होगा उसको डन कर देंगे ठीक है और ये सॉरी कर देंगे आप चाह चाह रहे हो कि करेक्ट जो आप इसको कंपल्सरी करना है करेक्ट कंपल्सरी करने के बाद क्या है ये एक स्टार मार्क आ जाता है रेड स्टार मार्क अभी इसको रिक्वायर्ड कर दिया क्लिक कर दिया मींस ये स्टार मार्क आ जाएगा क्वेश्चन नंबर टू हो गया अभी हम क्वेश्चन नंबर थ्री को चलेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में कुछ डोमेस्टिक इनकम इज ग्रेटर दैन नेशनल इनकम ग्रेटर दैन नेशनल इनकम ओके अभी यहां पर जो मल्टीपल चॉइस अभी नहीं देंगे एक क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं शॉर्ट आंसर कर चुके हैं यहां पर अभी हम ड्रॉपडाउन दे देंगे ड्रॉप डाउन वन टू आ जाएगा ऑप्शन ड्रॉप okay, डाउन दे देंगे क्लियर ड्रॉप डाउन में ये ऑप्शन वन के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे यहां पर लिख देते हैं एन एफ आई एके इज पॉजिटिव वन और सेकेंड ऑप्शन दे देंगे एन एफ आई इज़ नेगेटिव वन ये दो दे दिए ठीक है अभी भी हम आंसर फीड करेंगे ठीक है अभी भी आर्ड आंसर फीडिंग जैसे आंसर ये है सपोज इसको आंसर इसको सपोज सेकेंड वन आंसर है सेकेंड के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर पॉइंट वैल्यू दे देंगे सपोज ये वन मार्क है और यहाँ पर नीचे में डन कर देंगे और ये कंपलसरी होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे रिक्वायर्ड में ठीक है ये तीन क्वेशन हो गया और यहाँ पर तो हम एक डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के ऊपर बताऊंगा अभी देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो नीचे में सब आइकन है प्लस के पास यहाँ पर कोई क्वेश्चन आप इंपोर्ट करना चाहते हो पहले आप क्वेश्चन बना चुके हो वो गूगल ड्राइव में है उससे कोई क्वेश्चन आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो ये जो सेकंड आइकन है ओके okay, जो सेकंड आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है मैं क्लिक कर दिया आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखो अभी जो गूगल फॉर्म से पहले से आप कुछ क्वेश्चन पेपर पढ़ा है कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट कर दिया सिलेक्ट करने से अभी देखो सपोज ये सब आ गया सपोज इसी क्वेश्चन को मैं लाना चाहता हूँ उसके ऊपर क्लिक करूंगा और इम्पोर्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करूंगा अभी देखो ये क्वेश्चन आ गया ये ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हम तीन क्वेश्चन बना चुके हैं अभी इसके ऊपर क्लिक करना है ओके ऐसे आने से इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर हो गया ठीक है ये क्वेश्चन नंबर फोर हो गया और इसका आंसर भी हम कर सकते हैं ये आंसर के नीचे में जाना है और टिक मार्क जब आंसर करना है आंसर फीड करना है तो नीचे में जो बॉक्स के अंदर टिक मार्क है उसके ऊपर क्लिक करना है क्लिक करके ये एन एफ आई एज पॉजिटिव वन और यहाँ पर पॉइंट वैल्यू हम दे देंगे वन मार्क हो गया इसको डन कर देंगे ठीक है और ये क्वेश्चन कंपलसरी हो जाएगा तो ये कंपलसरी हो गया ऑलरेडी ये रिक्वायर्ड में है ठीक है फिर अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में और एक बता रहा हूँ कोई इमेज का क्वेश्चन आप दे रहे हो जैसे इमेज का क्वेश्चन दे रहे हो तो आपको फिर ये जो आइकन नीचे में सब है देखना है जैसे ये वाला टी टी नहीं है यहां पर वो जो है वो हेड टाइटल आ जाएगा इसके ऊपर क्लिक करने से ये जो है देखिए ठीक है ये इंसर्ट इमेज जो फोर्थ आइकन था फोर्थ आइकन के ऊपर मैं जब क्लिक किया और एक बार बता देता हूं देखिए ये जो फोर्थ आइकन है वन टू थ्री फोर फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट फोर्थ वाला ही उसके ऊपर क्लिक करना है और कहाँ से एक इमेज पढ़ा है आप वहाँ से इमेज ला सकते हो जैसे मेरा इमेज सपोज फोटोज में है फोटोज़ के ऊपर में क्लिक किया अभी फोटोज आ जाएगा ओके जैसे कोई भी इमेज मैं यहाँ से ले सकता हूँ सपोज कोई भी इमेज मैं यहाँ से ले सकता हूँ सपोज ये इमेज को ले लिया और इंसर्ट कर दिया क्वेश्चन में अभी अभी इमेज आ रहा है ये देखिए इमेज आ गया और डिटेक्ट द इमेज यहां पर क्वेश्चन नंबर फाइव करके आप कर दो डिटेक्ट द इमेज ये डिटेक्ट द डिटेक्ट द इमेज ठीक है यहां पर ऑप्शंस सपोज दे देना है ठीक है जैसे यहाँ पर आप ऑप्शन दे सकते हो जैसे शॉर्ट आंसर है कि मल्टीपल चॉइस है जो भी दे सकते हो जैसे मैं शॉर्ट आंसर दे दिया कि एक वाट यहाँ पर जो आंसर में दे दूंगा शॉर्ट आंसर करके जो नीचे में बॉक्स के अंदर टिक मार्क है करके करेक्ट आंसर में दे दूँगा करेक्ट आंसर है सपोज वाटरफॉल ठीक है ये आंसर दे दिया और यहाँ पर पॉइंट वैल्यू दे दूँगा ये वन मार्क है ठीक है ये हो गया इसको डन कर दिया इमेज वाला क्वेश्चन हो गया देन और जो आइकनस है नीचे में देखिए ये जो वीडियो है आप कोई वीडियो इसमें अपलोड कर सकते हो और ये सेक्शन है इसमें दो सेक्शन आप और एक सेक्शन बनाना चाहते हो तो इसके जो लास्ट आइकन है जो दो बॉक्स जैसा दो लास्ट आइकन है लास्ट आइकन फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट एक्चुअली सिक्स आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है सिक्स के ऊपर क्लिक करना है तो और एक बॉक्स आ जाएगा सेक्शन टू आ जाएगा जैसे हम दो सेक्शन बना रहे हैं सेक्शन टू आ जाएगा सेक्शन टू टू जब आ गया हम इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेक्शन बी कर सकते हैं फास्ट सेक्शन ए है सपोज इसको जरूरी है दो सेक्शन बनाना है तो इसको सेक्शन बी कर देते हैं ठीक है फिर हम सेक्शन बी करके हम क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं सेक्शन बी करके हम क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं अभी ये सेक्शन बी में आ गया जैसे क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर सिक्स से हम शुरू करेंगे तो ये लास्ट आइकन सेक्शन और एक सेक्शन सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी इसके ऊपर क्लिक करके एक सेक्शन करके हमको लिखना है ओके okay. जैसे ये जरूरी नहीं है तो आप इसको जैसे सेक्शन थ्री आ गया अभी ये जो थ्री डॉट्स है उसके ऊपर क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं हम ठीक है हमको सेक्शन हम कर दिए थे सब ये सेक्शन बी हमको जरूरी नहीं है ये जो थ्री डॉट्स है थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है ओके okay, और डिलीट सेक्शन कर देना है ठीक है ये प्रक्लियर। आ, तो अभी और एक चीज बताना चाहता हूं जैसे आप देखिए ये जो ऊपर में सपोज यहां पर देखिए, ये जो सिक्स डॉट आ रहा है देखिए, ये जो क्वेश्चन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं तो सिक्स डॉट आ रहा है ये डॉट के ऊपर आप उसको दबा के ऊपर में क्वेश्चन भी ले सकते हो रिसफल कर सकते हो ये जो क्वेश्चन इसके ऊपर हम दबा के क्वेश्चन इधर उधर हम कर सकते हैं जैसे ये था ये अभी क्वेश्चन नंबर ऊपर में आ गया सपोज इसको हम नीचे लेना चाहते हैं इसको ड्रैग करके नीचे में ले सकते हैं ओके जहाँ पर आपको ये सफल करना है वो क्वेश्चन को रिसफल हम कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव ओके क्वेश्चन नंबर ये थ्री क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू को सपोज देखो इसको हम लेंगे ऊपर में तो इसको ये जो सिक्स डॉट है उसके ऊपर हम दबा के उसको ड्रैग करेंगे ओके okay, अभी क्वेश्चन नंबर टू आ गया देखो अभी सेटिंग फिर हो गया क्वेश्चन नंबर वन ठीक है क्वेश्चन नंबर वन ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री ओके क्वेश्चन नंबर टू था और एक बार इसको लिख देता हूँ कि वेन इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ ठीक है और यहाँ पर क्वेश्चन बना दे सकता हूँ ये जो आंसर हम ऑलरेडी फिट कर चुके हैं तो जो डॉट है इसको करके हम ड्रैग कर सकते हैं क्वेश्चन को अरेंज हम कर सकते हैं ठीक है ये होने के बाद अभी क्वेश्चन प्रिपेयर होने के बाद अभी हम उसको सेंड करेंगे तो ये जो आर ओ मार्क है उसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए क्लिक करने के बाद ये अभी आ गया मेल में हम सेंड करते हैं सेंड भाई मेल ओके मेल में सेंड करते हैं इसका मेल एड्रेस हम डालेंगे वो मेल में चला जाएगा लिंक चला जाएगा जैसे सपोज इसके पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप प्रीव्यू देखना चाहते हो तो फिर थ्री डॉट्स के ऊपर और एक बार बता रहा हूँ ये जो थ्री डॉट्स है वर्टिकल डॉट्स है उसके ऊपर क्लिक करना है और प्रीव्यू देखना है कि आप जो क्वेश्चन पेपर बनाएं वो सही है कि नहीं तो अभी उसको चेक कर देंगे देखो ये प्रीव्यू आ गया इसको चेक करेंगे कहाँ पर कोई गलती है ये एड्रेस आ गया देखिए क्वेश्चन पूरा आ गया यहाँ पर आप देख रहे हो क्वेश्चन ठीक है पूरा तो ठीक है ये ठीक नहीं है तो फिर हम उसको एडिट करेंगे जैसे ये आ गया ओके ये प्रीव्यू आ गया सपोज फिर हम बैक चले जाएंगे तो प्रीव्यू को चेक करेंगे प्रीव्यू में कोई रॉन्ग रहा फिर बैक जाके हम क्वेश्चन को फिर उसको रेक्टिफाई करेंगे ठीक है ये इसमें हम प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं और एक बार देखा देता हूँ ये प्रीव्यू में ऊपर क्लिक करके थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे प्रीव्यू के ऊपर हम चेक कर सकते हैं ओके okay, प्रीव्यू में सब ठीक है फिर हम बैक चले जाएंगे अभी बैक आ गया अभी हम क्वेश्चन भेजेंगे प्रीव्यू चेक कर लिया सब ठीक है फिर हम क्वेश्चन भेजेंगे भाइया मेल मेल में ये मेल एड्रेस यहां पर टाइप करेंगे मेल में नहीं भेजेंगे तो मिडिल में जो शेयर लिंक है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और भी उसको हम कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप में भेज सकते हैं जैसे उसके ऊपर क्लिक करके उसको कॉपी कर देंगे ओके कॉपी कर देने से कॉपी करके अभी हम उसको शेयर करेंगे ठीक है उसको ऐसे कॉपी कर दिया अभी हम शेयर कर देंगे जैसे उसको मिनिमाइज़ करके आप अभी वाट्सअप में जाकर किसी की व्हाट्सअप में जाकर उसको आप सपोज यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो यहाँ पर पेस्ट कर दिया नहीं एक मिनट मैं देखता हूँ फॉर्म को जैसे ये लिंक कॉपी हो गया इसको कॉपी कर देने से अभी हम वट्सअप को पेस्ट कर देंगे ये लिंक आ गया अभी उसको भेज देंगे ठीक है ये अभी लिंक ओके क्लियर okay, कैसे भेजेंगे ये क्लियर हो गया फिर हम कैसे आंसर करेंगे ना क्लिक के ऊपर या उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये क्वेश्चन ओपन हो जाएगा ओके okay, जो कैंडिडेट्स के पास ए, क्लिक करेगा और वो क्वेश्चन ओपन हो जाएगा क्वेश्चन ओपन होने के बाद वो पहले उसका ई ये क्वेश्चन ओपन हो गया तो अभी उसका ई मेल एड्रेस जैसे मेरा ई मेल एड्रेस मैं भर देता हूँ ये मेरा ई मेल एड्रेस भर दिया और अभी आंसर में भर दूंगा सपोज फर्स्ट आंसर है एन एफ आई एच पॉजिटिव वन तो इसको वॉज फॉर्म इट इज़ वन नाइन जीरो सेवन ओके आप इसको जैसे मैं क्वेश्चन फीड किया उसको न्यूमेरिकल में आप जैसे वर्ड में लिखोगे तो फिर जैसे वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवन आप ऐसे वर्ड्स में लिखोगे वो आंसर गलत हो जाएगा जैसे मैं कुछ आंसर क्या किया ना स्मॉल लेटर में आंसर फीड किया आप उसको कैपिटल लेटर में लिख देंगे तो भी क्या होगा ना आंसर गलत आएगा तो जैसे थर्ड वार्ड यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ये एक ड्रॉप डाउन था सपोज यहाँ पर एन एफ आई एज नेगेटिव पॉइंट दे दिया फिर एन एफ आई पॉजिटिव वन जैसे यहां पर आंसर लिख दिया कि वाटरफॉल है, कर है. सबमिट करने के बाद कैंडिडेट सबमिट कर दिया अभी वो व्यू स्कोर के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको आंसर पता चल जाएगा ठीक है कौन सा आंसर गलत हुआ वो अभी आ जाएगा ये जो इमेज गलत हुआ क्योंकि वाटरफॉल क्यों गलत हुआ क्योंकि मैं जो पहला वर्ड था मैं कैपिटल में दिया था मगर यहां पर मैं स्मॉल में कर दिया जानबूझकर कर किया पहले जब मैं क्वेश्चन फीड किया था जो फर्स्ट जो लेटर डब्ल्यू था वो कैपिटल में था यहां पर मैं स्मॉल में फीड कर दिया इसलिए बोरांगा गया तो यहां पर इसे अभी हम आंसर देख सकते हैं क्लियर तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपको बनाना है और लिंक सेंड करना है भाया मेल और इन व्हाट्सएप ग्रुप then the candidates also uh, it means uh, when they get the link then they click on, on the link and uh, answer the questions and uh, then click on the view score and then also they can check the score okay uh, thank you my friends uh, please uh, subscribe my channel asitsarikomania uh, so like uh, my video and comment my video so Aji itna thank you